वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2018 विजेता ने मुखौटे वाले वेनेजुएलियन विरोधियों की शक्तिशाली छवि को लपटों में घिरा दिया। रोनाल्डो स्कैमेट की तस्वीर 73,000 अन्य प्रविष्टियों को हराकर वेस्टमिंस्टर में लंदन के आतंकवादी हमलों की तस्वीरें और लास वेगास में पिछले साल के तमाम त्योहारों की शूटिंग शामिल थी, जिसमें वे बिना देखे गए एक शानदार शॉट के साथ थे। लपटों में घिरे हुए एक आदमी की इस अविश्वसनीय छवि ने 2018 के विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मई 2017 में वेनेजुएला के प्रदर्शनकारियों और दंगा पुलिस के बीच हिंसक झड़पों के दौरान लिया गया और न्यायाधीशों ने कहा कि यह तत्काल भावनाओं को लागू करता है और एक देश को जय का प्रतीक करता है। फ्रांसीसी फोटो एजेंसी एजेंस फ्रांस प्रेस के रोनाल्डो स्कैमेट ने 73,000 से अधिक प्रविष्टियां जीती। उनकी प्रतियोगिता में रोहिंग्या संकट, इराक में युद्ध और अन्य त्रासदियों के बीच लंदन में एक आतंकवादी हमले के बाद फोटोग्राफी शामिल थी। रोनाल्डो की एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी की छवि मई 2017 में ली गई थी, जब वे वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के शासन के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीर में आदमी 28 वर्षीय विक्टर सालाजार एक पुलिस मोटरसाइकिल को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, जब एक गैस टैंक उसके चेहरे पर विस्फोट हुआ और वह लपटों में चढ़ गया।